हाँ जी हाँ गाइज, तो आज मुंगेर ओवर ब्रिज जो अप्रोच रोड जुड़ रहा है उसके सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइज, जैसा कि मैं आपको फर्स्ट पार्ट में सभी चीज़ दिखाया और बहुत सारी फैक्ट बताया जो इस मुंगेर ओवर ब्रिज से जुड़ा हुआ है, तो और मैं आपको बहुत सारी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको दिखा दूँ यहाँ पर, जो ये बहुत सारी लंबी जो रोड रेल जो दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको दिखा दूँ और आगे ले कर चलता हूँ। जिस तरफ से मैं ले कर आया था उसी साइड से आपको मैं पूरी आपको ब्लॉग दिखाऊँगा ताकि आपको पता चल जाए रियलिटी क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। बता दूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये नीचे साइड से जहाँ से काम चल रहा है वहाँ से मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूँ जहाँ से ज्वाइन हो रहा है ये रेलवे और मतलब ये रोड ओवर ब्रिज जो है। तो गाइज, मैं ये सीढ़ी जो देख रहे हैं गाइज, यही सीढ़ी आपको कनेक्ट करता है नीचे ले जाने के लिए, इससे मैं जाने वाला हूँ और आपको बिल्कुल एग्जैक्टली दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल नीचे से लेके मतलब यहाँ से लेके जहाँ तक बनता जा रहा है वहाँ तक, जहाँ तक बना है शुरुआत से लेकर। तो चलिए आपको नीचे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, जहाँ से ये रोड जो कनेक्ट किया गया ऊपर से, वो आपको मैं दिखाना, देख सकते हैं ये जो पहला वाला ये जो पुल दिख रहा है, ये ब्रिज जो पहले से ही बना हुआ और ये जो वहाँ पर से आपको दिख रहा है वहीं से कनेक्ट होके ये पूरी लंबी तय करते हुए पूरे वहाँ तक गई है, मतलब पूरे टर्न होते हुए वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं कितना ये लग रहा 360 तरह 180 डिग्री मतलब पूरा रोटेट हुआ है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ और देख सकते हैं ये जो नई वाली बनी है और यहीं पर कनेक्ट हो पा रहा है जो आपको मैं दिखा दूँ। चलिए नज़दीक लेके चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पर जो कनेक्ट हो पा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ असलियत सीन, और जो मैं आपको ऊपर से दिखाया था उसी को मैं आपको एग्जैक्टली नीचे से दिखाने वाला हूँ, आखिर क्या चीज़ है और जो रुका हुआ अब तक का काम और जो काम कंटिन्यू चल रहा है। वही एक स्पॉट है जहाँ पे अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। देख सकते हैं इधर का सीन देखिएगा, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सभी चीज़ कंप्लीट मिलेगा और यहाँ से आप देख सकते हैं ये बीच में, जो बीच से आप उधर देखिएगा तो वहाँ पर भी आपको सभी चीज़ कंप्लीट मिलेगा, लेकिन ये बीच में जो दिख रहा है ये जो दो जगह मतलब एक पाया के उस साइड और इस साइड, यहीं पर ऊपर में भी काम चल रहा है जो मैं आपको फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था और ये सेकेंड एपिसोड में भी आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ नीचे से। एग्जैक्टली थोड़ी सी दिक्कत हुई लेकिन आपको नीचे से बिल्कुल अच्छी तरह से मैं दिखा रहा हूँ, यही काम चल रहा है और ये काम जब पूरा हो जाएगा तो बिल्कुल मतलब उद्घाटन हो जाएगा, बिल्कुल मतलब उद्घाटन कर दिया जाएगा जस्ट, और शायद ये साथ साथ जो है आपको टू व्हीलर फोर व्हीलर मतलब जो भी है सबको ऑर्डर दे दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट के लिए, आप आराम से आ जा सकते हैं ये मुंगेर अप्रोच रोड या ओवर ब्रिज पर आप आराम से चल सकते हैं। चलिए आपको गाइज और आगे मैं दिखाता हूँ उस साइड ताकि आपको कैसा नज़ारा दिखता, आप देख रहे हो कुछ नज़ारा कुछ ऐसा आपको दिखता। आप यहाँ आपको एक बार और मैं यहाँ से दिखा दूँ जो बिल्कुल नज़ारा दिखता, देख सकते हैं यहाँ से बहुत लंबी दिख रही है। तो चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ आगे, मैं आपको दिखा रहा था तो हल्का सा आगे आने के बाद देख सकते हैं ये जो नीचे आपको मशीन दिख रही है यहीं से वर्क चल रहा है पूरा अच्छी तरह से और लाइट वाइट सभी जगह लगा हुआ है ताकि अच्छे से हो पाए जल्दी से काम रात में भी। और मैं आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ, देख सकते हैं वहाँ पर से दो लाइन, एक नीचे से वो रेलवे ट्रैक का ऊपर से रोड का, देख सकते रोड का आपको डायरेक्टली ऊपर से चले जाता है इस तरफ और रेलवे ट्रैक का बताते हैं जो डायरेक्टली सफदलपुर जंक्शन को क्या करता है वो ये वाला जा रहा है, ये जो देख रहे हैं ये डायरेक्टली सफदलपुर जंक्शन को मतलब हल्का हल्का हटा के दिया गया ताकि इसको NH 31 में कनेक्ट कर पाए। तो चलिए गाइस देख सकते हैं बहुत सारा मशीन वगैरह रखा हुआ, जो आपको मैं ऊपर से दिखाया था व्यू वही आपको व्यू नीचे भी दिख रहा है, जो आदमी यहाँ पर रहते हैं और काम वगैरह करते हैं वो बहुत सारे से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ इससे रिलेटेड मिलता है, जो आपको बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ के बारे में आप बहुत सारी चीज़ जान पाएंगे, आप शायद अगर और आप वीडियो में नहीं जान पाएंगे तो आपको ये दो पार्ट के अंदर पूरी कंप्लीट प्रोसेस और पूरी सभी चीज़ जानकारी देने वाला हूँ। देख सकते हैं ये सब चीज़ है, ये आपको मतलब बिल्कुल देख सकते हैं लाइट भी जल चुका ऊपर में ब्रिज के ऊपर और ये काम चल रहा है। तो चलिए और आपको एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं ये जो ओवर ब्रिज से रोड वाला कनेक्ट किया है इसके साइड में एग्जैक्टली एक चिमनी है, देख सकते हैं गाइस ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये सूरज नाम का चिमनी है और यहाँ पर बहुत सारे मजदूर भी देख रहे हैं काम कर रहे हैं ईंट को
ईंट को डाला पे डाल रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पर ईंट जो है न्यू बनी हुई, आपको मैं दिखा दूँ इस साइड, देख सकते हैं गाइस, इसी से आप जो घर जो तैयार होता है, इसी से होता है तैयार जो छत वाला घर होता है। तो गाइस ये सब हुए मजदूर जो हम लोगों के बहुत अच्छे, मतलब अच्छे से बातचीत करने के लिए लायक हैं। तो चलिए और आगे आपको मैं दिखाता हूँ इसके बारे में और क्या क्या चीज़ है, और ये सेकंड पार्ट है इसलिए मैं और अच्छे से आप लोगों को अच्छे से फुल डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो चलिए और आगे मैं चलता हूँ। जैसा कि आप लोगों को अभी जस्ट मैं दिखाया, उस पर पिचिंग भी नहीं हुआ अभी सही तरह से रोड पर, जो रोड कनेक्ट किया जा रहा है ब्रिज से। जी हाँ गाइज, तो गाइज आपको मैं पूरी अच्छे तरह दिखाया, और देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको दिख पा रहा है ये साइड साइड में जो है, ये सभी जगह आपको बिल्कुल सेम उसी कंडीशन है। जैसा कि हम घर की ओर चले हैं, और जैसा कि आप लोगों को जहां तक हो सका मैं लगभग पूरी तरह फुल डिटेल्स आपको बता पाया उस रोड के बारे में, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। अगर देख सकते हैं ये जो अंदर आता ब्रिज, ये रेल का है जो ऊपर से रेल गुजरती है, और ये नीचे से बनाया गया सुरंग जैसा जो आपको दिख रहा होगा पूरे अंधेरे टाइम में, और ये ऊपर से कनेक्ट होता है सफदलपुर जंक्शन। यहाँ गाइस देख सकते हैं सफदलपुर जंक्शन, इसी से ये रेल ऊपर से क्रॉस करती है, रेलवे ट्रैक इसी के ऊपर है। तो देख सकते हैं आपको मैं एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ से मुझे दिखेगा, देख सकते हैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं वहाँ जो दिख रहा आपको ये देख सकते रेड कलर में, वही सफदलपुर जंक्शन है। सफदलपुर जंक्शन वही है, वहीं से आप ट्रेन को चेंज कर पाएंगे, और वहीं पर आगे कनेक्ट होती है जो कि एक साहेबपुर कमाल जंक्शन तक ले जाती है, और दूसरा खगड़िया तरफ। तो यही दोनों तरफ से आपको ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, तभी आप मुंगेर की तरफ जा पाएंगे बिल्कुल आसानी से बिना कठिनाई के। तो चलिए और आगे चलते हैं। वैसे शाम होने चला है और बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, बहुत ही चिल वाली हवा चल रही है, जैसा कि जान रहे हैं 1 जनवरी से बहुत तेज़ हवा चल पा रही है। तो चलिए और आगे लेके चलता हूँ आपको, यहीं पर का साइड का सीन और बहुत सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ। आज का सेकंड पार्ट जो है यहीं तक रहता है, और मुंगेर अप्रोच रोड जो ओवर ब्रिज था ये लास्ट सेकंड पार्ट है, यहीं तक रहता है। जो मैं NH 31 से पर आ चुका हूँ, देख सकते हैं गाइज, और मैं जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगा वहाँ चीज़ आपको मैं दिखाया। तो गाइज मैं सच में बताऊँ तो आपको लगभग जितना, मतलब मुंगेर अप्रोच रोड जो ओवर ब्रिज है जहाँ से कनेक्ट होता, जहाँ से मतलब इंड होता, वो लगभग आपको दिखाया, और थोड़ा सा बच गया जहाँ पर कि डायरेक्टली NH से कनेक्ट होता है। तो गाइज वहाँ पर रास्ता नहीं था दिखाने का, क्योंकि अभी जो है रोड पूरा कनेक्ट ही हो पा रहा और अच्छी तरह से बन रहा, जैसा कि आपको मैं दिखाया था रोड पर। तो गाइज चलिए, मैं अगर शायद हो सके तो मैं अगले आने वाली वीडियो में आपको ब्लॉग में दिखाऊँ। तो बस फिलहाल इतना ही, और मेरे साथ आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, मेरा ये बाइक राइडर रेहान और मेरे साथ था और मेरा साथ भी दिया, इसीलिए मैं अब तक का वीडियो शूट कर पाया और 2 पार्ट में। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कीजिएगा। अगर आपका कुछ भी सुझाव हो या किसी टॉपिक पर सर्च करना हो वीडियो, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, टेक केयर।